नमस्कार, मैं काजल मिश्रा, स्वागत है आपका एनएलआई पर। नजर डालते हरियाणा की मुख्य खबरों पर। हरियाणा की 9 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी तय करने को लेकर कांग्रेस में जारी है घमासान। सब कमेटी द्वारा सभी नाम तय किए जाने और राष्ट्रीय अध्यक्ष रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद अब नए सिरे से प्रत्याशी को लेकर शुरू हो गया मंथन। सूत्रों का है कहना कि रोहतक, सिरसा और अंबाला सीट पर अब किसी तरह का नहीं है विवाद। भिवानी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, हिसार व करनाल पर अब भी स्थिति नहीं हो पाई स्पष्ट। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी में अभी थमा नहीं इस्तीफों का दौर। अंबाला में भी जेजेपी को लगा है बड़ा झटका। वर्तमान में पार्टी के प्रदेश महासचिव हरपाल कंबोज ने भी जेजेपी पार्टी को कह दिया अलविदा। अंबाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरपाल कंबोज ने की यह घोषणा। हरपाल कंबोज ने दिया बयान कि पार्टी सुप्रीमो डॉक्टर अजय चौटाला को उन्होंने भेज दिया अपना इस्तीफा। हरियाणा में जीटी बेल्ट भाजपा का माना जाता है गढ़। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में जीटी बेल्ट में आने वाली 3 सीटों अंबाला, कुरक्षेत्र और करनाल में भाजपा ने न सिर्फ दर्ज की जीत बल्कि अपने वोट शेयर में जबरदस्त की है बढ़ोतरी। जीटी बेल्ट की विधानसभा सीटों के बल पर ही पार्टी राज्यों में 2 बार से बनाती आई अपनी सरकार, मगर पिछले कुछ समय से क्षेत्र के बदल गए हैं सियासी समीकरण। शुक्रवार को जिंद के भाजपा कार्यालय में पहुंचे पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दिया बयान कि भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सरकार ने की है ठोस कार्रवाई। उनकी हर तकनीक को फेल करने का हमारी सरकार ने किया है काम। इस शासन में नहीं चलती चालाकी। आज साइबर क्राइम करने वालों को भी पकड़ा जा रहा है। भाजपा में किसी तरह की नहीं है कोई फूट। सभी विधानसभा क्षेत्र के लोग आए हैं यहाँ। करनाल में मनोज वाधवा ने जिस तरह 2019 में अचानक से भाजपा ज्वाइन करने का किया था फैसला, इसी अंदाज में ही छोड़ भी दिया भाजपा। अब यह आम है चर्चा का कि क्या वह विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस के टिकट पर। वाधवा के इस्तीफे से जहां भाजपा खेमा है खामोश, वहीं कांग्रेस के स्थानीय नेता में भी पसरा हुआ है सन्नाटा। हरियाणा के महेंद्रगढ़ के कनीना में हुए स्कूल बस हादसे का पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है मामला। इस हादसे को अधिकारियों की नाकामी का परिणाम बताते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर की गई अवमानना याचिका। याचिका में लगाए गए एक आरोप कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी अधिकारियों ने सेफ स्कूल व्हीकल पॉलिसी पर नहीं किया काम, जिसके कारण लगातार हो रही स्कूल बस दुर्घटनाएं। हरियाणा में स्कूली वाहन में दुर्घटना होने के बाद स्कूल संचालकों पर न लगे दोष, इससे बचने का स्कूल ने भी निकाला है रास्ता। दाखिला फॉर्म पर फॉर्म में छोटे फॉन्ट में है लिखवाया कि हादसा होने पर नहीं होगी स्कूल की जिम्मेदारी, ताकि भविष्य में यदि होता है हादसा तो स्कूल संचालक इसे फॉर्म को अभिभावकों को दिखाते हुए अपनी जिम्मेदारी से झाड़ सके पल्ला। वही अभिभावक भी अनजाने में कर रहे हैं हस्ताक्षर। अंबाला से देहरादून हाईवे पर अंडरपास की ऊंचाई पर शुरू हो गया घमासान। भारतीय किसान यूनियन चरणी ग्रुप उतर आया ठेकेदार के विरोध में। किसानों का है आरोप कि अंबाला से देहरादून के लिए बनाए जा रहे नेशनल हाईवे पर शहजादपुर के अंतर्गत आने वाले गांव में 3.5 मीटर होनी थी अंडरपास की ऊंचाई, लेकिन ठेकेदार ने ऊंचाई करने के बजाय 1 मीटर जमीन की कर दी खुदाई, जिसकी वजह से ग्रामीणों को वाहन निकालने में झेलनी पड़ रही है काफी दिक्कत। रेवाड़ी के बवाल कस्बा में स्थित मरीज ट्रांसफर की दुकान पर हो गई लूट। बाइक पर सवार होकर आए लुटेरों ने दुकान मालिक की कनपट्टी पर लगा दी पिस्टल। एक बदमाश ने उसके सिर पर पिस्टल के बट से भी किया वार, जिससे उसके सिर पर आई है गंभीर चोट। वहीं गले में रखे करीब 1 लाख रुपए लूट ले गए लुटेरे। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है वारदात। करनाल में सेक्टर 9 की हुड्डा मार्केट के पास कार सवार युवकों ने कॉलेज छात्र पर लाठी, डंड व तेज धार हथियार से बोल दिया हमला। युवक हमलावरों से बचने के लिए घुस गए इंडियन बैंक के अंदर, लेकिन वहां भी बैंक के अंदर घुस गए युवक और उस पर बरसा दी लाठी डंडे। इस दौरान बैंक में मौजूद लोगों ने नहीं किया बीच बचाव और बने रहे तमाशबीन। पीड़ित के दोस्तों का काफी समय पहले हमलावर युवकों के साथ हुआ था कोई झगड़ा और इसी रंजिश के चलते किया गया है हमला। तो ये थी हरियाणा की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनएलआई।